ओके सबनेट इज रिकॉल यस इट्स सबसे पहले क्या करने का और वीपीसी में जाएंगे वी हैव टू क्रिएट वीपीसी एंड जस्ट गिव वीपीसी नेम आई हैव फन वीपीसी ओके फिर हम यहाँ पे साइबर ब्लॉक लेंगे अभी हमारी जो लोकल होस्ट का साइबर ब्लॉक है उसकी रेंज क्या है सर ये टैग डालना कंपलसरी है हाँ टैग टैग डालना कंपलसरी है क्या टैग डालना कंपलसरी मतलब वो नेमिंग के लिए टैग डालते हैं ना भाई हम अच्छा नाम कैसे समझ में आएगा तुम कर क्या रहे हो ये पर्टिकुलर ये वीपीसी है ओके ओके वीपीसी एंड मोर क्या है सर उधर See, actual thing is, अगर production में है तो you you can put it as a prod to recognize. If it's not in production, staging, you know, stage, development, ऐसे अलग अलग tags डाल के उसको recognize कर सकते हैं. So that's why tagging is important. Yes. Tagging name can be any generalized name. Yes. You can do so. हमारा नाम हो गया है हमने नाम दे दिया create VPC करते हैं after that subnets में जाएंगे create subnet वीपीसी सिलेक्ट करेंगे माँ वीपीसी डिफॉल्ट वाली आप लेंगे क्योंकि हम खुद की वीपीसी बनाई है तो सबमिट किए तो हमारे लगेंगे ओके प्लीज गाइस म्यूट योरसेल्फ गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ किसका आवाज आ रही है चाहिए बरत हम हेलो वीटीवी कौन गाइस नहीं हेलो ये वीयू टीवी कौन है भाई माइक म्यूट कर ना अरे कौन है एडमिन जो होगा वो बंद कर दो ना भाई क्या किया तू जरा ध्यान दे दो ये जिनका आवाज आता है ना जरा बंद कर दो ओके सो हमने अभी हमारी पुरानी वाले जो भी पीसी उसका है पीसी लेकर भी अभी सबमिट दे रहे हैं। We have to do name of public subnet. अभी हम public subnet कर रहे हैं इसलिए public subnet नाम देते हैं। Okay. अभी public subnet का साइड है block 10.0.0/24. Okay. उसके बाद आर न्यू सबनेट पब्लिक ले लिया अभी कौन सा प्राइवेट 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 सबनेट के बाद साइबर ब्लॉक लिंक प्राइवेट के लिए 10.0/24 अभी इसमें 24 क्यों लिया क्योंकि ऑलरेडी इधर जीरो की इधर हमने क्या लिया है 10.0.0.0/16 लिया है इसलिए यहाँ पे 1 के बाद इधर 24 लिया ओके गाइस सो क्रिएट सबनेट अभी किस में जाना होगा इंटरनेट गेटवे राउटेबल राउटेबल
राउट टेबल में क्या करेंगे, पब्लिक में ऐड करेंगे राउट, एसोसिएट पहले पहले इंटरनेट गेटवे बनाना पड़ेगा, हां पहले IGW लगेगा, IGW लगेगा फिर राउट कर सकते हैं हम। सबनेट एसोसिएशन करना होता है राउट टेबल में, क्या तो राउट टेबल में जब गए ना हम, तो अभी राउट टेबल में हमको कैसे डिफॉल्ट राउट ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है। ओके अभी राउट क्या होता है कौन बोलेगा, व्हाट इज राउट टेबल? डेस्टिनेशन एंड लोकेशन। यस डेस्टिनेशन एंड लोकेशन, सिंपली मैं बोलूंगा ये क्या होता है, डेस्टिनेशन टारगेट। ओके तो सिंपली मैं बोलूंगा कि ये चीज क्या है मालूम है क्या आपको, फॉर एग्जांपल मैं अभी नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट का हूँ गाइस, तो पुणे तुम्हारे नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट सर, आपको वॉइस बहुत लो है, पुणे टू नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट। ओके अभी आवाज आ रहा है, हेलो गाइस। यस सर, यस सर, हाँ यस। सो पुणे टू नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट, ओके जो आने के लिए जो रूट है, एक रूट है ना रोडवे, एक रोड है, एक रूट है ना मतलब गांव का एक रोड बनाया हुआ है ना, एक रूट बनाया हुआ है ना नंदुरबार टू पुणे, शायद से मालूम नहीं होगा, एक हाईवे होता है ना, हेलो गाइस, यस यस यस, एक रोड बनाया होता है, एक रूट बनाया होता है, वैसे ही ये राउट टेबल मतलब क्या होता है कि एक रूट होता है दिखाने के लिए कि तुम्हारा इंटरनेट गेटवे किधर है। ओके तुम्हारा नेट किधर है, तुम्हारा इंटरनेट गेटवे किधर है। ओके ये क्या होता है उसको बोलते हैं राउट टेबल। ये क्या दिखाता है, राउट बताता है कि वेयर तुम्हारी नेट का बेटा है, तुम्हारा इंटरनेट गेटवे किधर है, तुम्हारा नेट किधर है, तुम्हारी वीपीसी कौन सी है, वीपीसी का रूट होता है, वीपीसी कौन सी है, सबनेट कौन सा है। ओके तो वो जो रूट होता है दैट इज दिस टाइप ऑफ, उसको बोलते हैं रूट टेबल। सो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जाएंगे, अभी ये देखो रूट बनाएंगे, पहले तो माई डिफॉल्ट वीपीसी का रूट है, देखो ये माई वीपीसी देखा आपने, एक ये क्या करता है AWS है ना, एक डिफॉल्ट रूट मतलब क्या कि ऑटोमेटिक एक रूट बना देता है, ये देखो यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली रूट बना दिया, ये देखो ये एक राउट, ये राउट किसका, ये डिफॉल्ट राउट है आपका, ओके गाइस ये कौन सा है डिफॉल्ट राउट है, और ये जो बनाया हुआ है, ये जो हमने अभी सबनेट बनाया है ना, हेलो हेलो, यस यस यस, जो जो सबनेट बनाया है ना उसका yes, राउट है। ओके तो अभी हम इसको पब्लिक को नाम देंगे, राउट टेबल दो होना चाहिए था ना सर हमारा, अरे तो एक बनाना, अभी ऑटोमेटिकली एक बन जाता है, उसके बाद हमको okay. एक और राउट क्रिएट करेंगे हम, ये राउट okay. को अभी पब्लिक बन रहा है, प्राइवेट नाम देंगे, प्राइवेट के बाद अपनी माई वीपीसी देंगे और क्रिएट करेंगे। ओके okay? राउट टेबल में चलो पब्लिक एक राउट बन गया, ओके तो पब्लिक को सिलेक्ट करेंगे, सबनेट एसोसिएशन। ओके
कौन सा था वो सिलेक्ट किया हुआ वही भूल गया मैं सॉरी पब्लिक है ओके सबमिट एसोसिएशन में जाएंगे पब्लिक को किसका राउटिंग है पब्लिक का पब्लिक का किसको देंगे पब्लिक का राउटिंग पब्लिक को ओके और प्राइवेट को उसके बाद क्या करेंगे इंटरनेट गेटवे बनाएंगे हेलो हेलो कैन यू रिपीट द राउट टेबल का यहाँ पे ऑलरेडी ये जो मेरा पब्लिक वाला राउट टेबल का ये था ये आ चुका था ये जो है वो डिफॉल्ट क्रिएट हो गया था ओके ये ऑलरेडी एक तो डिफॉल्ट था ही लेकिन ये जब हमने प्राइवेट वीपीसी बनाया उसके बाद जो सबनेट बनाते हैं तो क्या होता है कि जब पहला सबनेट बनाते हैं ना तो उसका एक राउट टेबल क्रिएट हो जाता है इसलिए हमने इसको जस्ट पब्लिक और इस राउट टेबल को कुछ भी नाम दे सकते हैं प्राइवेट भी नाम दे सकते हैं और पब्लिक भी दे सकते हैं ओके सो मैंने पब्लिक नाम दिया और ये राउट टेबल क्या था ये राउट टेबल पब्लिक वाला यहाँ पे मेरा राउट टेबल बन गया उसके बाद प्राइवेट दिया और प्राइवेट ये राउट टेबल मैंने क्रिएट राउट टेबल से या से क्रिएट से करने के बाद प्राइवेट नाम दे के यहाँ पे क्रिएट कर लिया कौन सा प्राइवेट वाला उसके बाद मैंने क्या किया पब्लिक को सिलेक्ट किया और ये जो सबनेट एसोसिएशन होते हैं ना ये बहुत जरूरी होते हैं अभी यहाँ नाम दे के तो कुछ नहीं होने वाला नाम दे के कुछ होने वाला है क्या नहीं ना हमको हमारे सबनेट एसोसिएट तो करना ही होगा ना पब्लिक को पब्लिक का देना होगा प्राइवेट को प्राइवेट का देना होगा अरे समझ रहे क्या आप लोग हेलो यस सर तो फिर समझ में आ गया वो मैडम कौन थी उसके बाद इंटरनेट गेटवे गए ये कौन सा यार डिटेच हुआ बड़ा कब से थोड़ा देखते हैं देखो देखो क्या काम में कौन से क्या है आपको अटैच करना पड़ेगा जय अरे पता है भाई मेरे मैं वो नहीं कर रहा ये पहले बनाया हुआ है हमको बनाना होता है इंटरनेट के लिए ओके तो अभी क्या हो गया कि हमको एक इंटरनेट के लिए बना दिया ओके IGW my internet kit okay guys create kit को बना दिया अभी फिर से internet kit के पास जाएंगे और ये जो internet IGW ना उसको अटैच तो वीपीसी अभी कौन सी वीपीसी माय वीपीसी ओके समझ में आया सबको गाइस यस सर यस सर यस अटैच टू इंटरनेट गेटवे कर दिया ये देखो अटैच हो गई उसके बाद क्या करेंगे क्या बनाएंगे नेट यस ऊपर गया ऊपर तो हमको क्या बनाना है क्रिएट नेट बनाएंगे ओके माय हाइफन नेट अभी हम नेट को किसके कौन से सबनेट पे नेट बेचता है प्राइवेट प्राइवेट
प्राइवेट पे लगाना पड़ेगा ना, प्राइवेट पे लगाएंगे क्योंकि वही पब्लिक आईडी देगा। नेट यूज होता है प्राइवेट के लिए लेकिन उसको डिप्लॉय करना पड़ता है पब्लिक में। बताया था सर, बताया था आपने, बताया नहीं था क्या? मैंने डायग्राम किसमें बैठा है मेरा नाटक उधर, कौन सा सबनेट में ये, कौन सा है, कौन सा सबनेट है? पब्लिक, पब्लिक सबनेट है ना? हाँ, तो हम क्या करते हैं, नेट होता होगा हमारा, मतलब प्राइवेट आईपी के लिए यूज होता 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 होगा, लेकिन हम नेट को हमेशा किधर बैठाते है, किधर उसको सिचुएट करते है, पब्लिक में करते हैं, ओके, ताकि वो इजीली इंटरनेट गेटवे थ्रू वो इजीली इंटरनेट को वॉल को जा सके, ओके गाइस? हाँ, इसलिए हम उसको इजीली, ये मतलब उसको हम पब्लिक इस पे बिठाते हैं नेट को, ओके। तो हमने कहाँ पे बिठाया फिर, यहाँ पे इसको पब्लिक सबनेट में बिठाया, ओके। हाँ, और कनेक्टिविटी टाइप कौन से रखेंगे उसके, कनेक्टिविटी टाइप प्राइवेट क्यों? अरे पब्लिक रखेंगे ना, प्राइवेट क्यों रखेंगे? हमको प्राइवेट इंस्टेंस को थोड़ी ना कनेक्ट करना है, हमको हमारे प्राइवेट इंस्टेंस को बाहर, नेट का जरूरत क्या है? तुमको नेट समझा है ना, नेट किस लिए यूज होता है वो समझा है सर? हाँ, तो नेट समझो, नेट एक्चुअली हमको पब्लिक से कनेक्ट होने के लिए यूज होता है इंटरनेट वर्ल्ड। तो इंटरनेट वर्ल्ड का रोल क्या है कि कौन से आईपी लगेगी कनेक्ट होने को? पब्लिक आईपी लगेगी ऑलवेज। हाँ, तो इसलिए ये जो होता है ये किस में होगा, ये पब्लिक में होगा ना, नेट जो होगा वो कनेक्टिविटी टाइप कौन से होगा, पब्लिक में होगा ना, प्राइवेट से कनेक्ट करना होता ना। हाँ, क्या प्राइवेट से भी कनेक्ट करना होगा ना वो? अरे तो मेरे भाई, इसको हम पब्लिक से भी कनेक्ट कर सकते हैं और प्राइवेट से भी, मैं ये नहीं बोल रहा कि कनेक्ट नहीं कर सकते, हम दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे इन केस, हमारे केस में हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, अभी हमारे केस में किससे कनेक्ट कर रहे हैं, पब्लिक से। हेलो, पब्लिक से? यस, इसमें नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, राइट? ये बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा तभी जाके समझ में आएगा। ओके, उसके बाद एलोकेट इलास्टिक आईपी करते हो, ओके, इलास्टिक आईपी मिल गई, क्रिएट नेट, ओके, योर नेट इज क्रिएटेड, so go to route tables, choose public route table, उसके बाद किस में जाना होगा, route में edit routes, add route, इधर किसका कौन सा route देना होगा, 0.0.0 देना होगा, उसके बाद internet gateway, IGW, my IGW, internet gateway, इंटरनेट के लिए मिला, इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे एंड सेव चेंजेस, ओके गाइस। राउट टेबल में फिर से जाएंगे, अभी पहले पब्लिक का किया हमने, वैसे हम किसका करेंगे, प्राइवेट का, प्राइवेट, ओके। राउट में जाएंगे, एडिट राउट्स में जाएंगे,
ऐड ड्राफ्ट में एक 0.00 उसको ऐड करेंगे, उसके बाद इधर क्या सर्च करेंगे, नेट नेट आया ये नेट, ओके सेव चेंजेस, ओके अब लास्ट पार्ट, सबसे लास्ट पार्ट, ओके अभी किसकी बात रही, सिक्योरिटी की बात रही, ओ सॉरी क्या कहे सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप देखा, फिर अभी मेरे पास एग्जिस्टिंग वाला है वही मैं सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करता हूँ, ओके अभी वो सिक्योरिटी ग्रुप का ये देखो इनबाउंड रूल, देखो सिक्योरिटी ग्रुप का ये हद कैसे मेरे इनबाउंड रूल, क्या इधर ऑल ट्रैफिक माय आईपी दिया है, ऑल ट्रैफिक माय आईपी बिफोर दिया है, और सॉरी ऑल ट्रैफिक माय आईपी दिया है, ऑल ट्रैफिक माय सिक्योरिटी ग्रुप दिया है, और ऑल टीसीपी माय आईपी बिफोर दिया हुआ है, ओके जैसा मैंने आपको इसमें लिख के भेजा था ना आपके व्हाट्सएप मैसेज पे कल रात को डाला था शायद से, सिंगल नोड के लिए, हाँ सिंगल नोड के लिए कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप ले सकते हैं आप, ओके सिक्योर लेयर का, नहीं वो सिंगल नोड के लिए था, ये आपको पहले भी बोला है कि सिक्योरिटी ग्रुप में क्या करना आप लोगों ने, सिक्योरिटी ग्रुप में क्या करना, ऑल ट्रैफिक माय आईपी, ऑल ट्रैफिक सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी कॉपी पेस्ट, ओके वो कर देंगे तो जो भी सिक्योरिटी का नाम होगा वो यहाँ पे, और ऑल टीसीपी माय आईपी, अगर ये अगर आपने ये तीनों कर लिया ओके तो ये बहुत मोस्ट सिक्योर ग्रुप है, ये कौन सा है मोस्ट सिक्योर ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप एसजी मोस्ट सिक्योर सिक्योरिटी ग्रुप, ओके समझ में आ रहा सबको, हेलो गाइस, यस यस, नींद लग रही क्या सब लोगों को, यस सर, बोर तो नहीं हो गए सब लोग, नहीं मजा आ रहा है, दो तीन ही बोल रहे बाकी के तो कुछ बोल रहे, ओके ओके चलो खत्म करता हूँ मैं सेशन, नहीं करो कंटिन्यू रहने दो सर, ओके तो यस यस सिक्योरिटी ग्रुप में हमने वही हमारा पुराना वाला सिलेक्ट कर दिया, ये देखो यह हडूप टू है मेरे पास, ओके फिर से बताओ आपको नेटवर्क, हाँ दिखाऊं ना एक बार, ओके ये देखो मैं तो फिर क्रिएट में जाओ सिक्योरिटी ग्रुप इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हो, ओके चलो आप लोगों की खुशी के लिए एक बना ही लेते हैं, माय एसजी बनाते हैं, ओके माय बीपीसी हाइफन एसजी ये ग्रुप बना देता है, ओके अभी किसका ये डिस्क्रिप्शन वही डाल देते हैं, ओके अभी इनबॉम के रूल ऐड कर रहे हैं, और क्या क्या लूंगा मैं, क्या बोला मैंने, ऑल ट्रैफिक, ऑल ट्रैफिक, ऑल ट्रैफिक माय आईपी, माय आईपी, माय आईपी, ऑल ट्रैफिक, ऑल ट्रैफिक, सिक्योरिटी ग्रुप आईडी, सिक्योरिटी, एक्चुअली ना आईकॉन वो ये नहीं आएगा अभी फिलहाल तो, क्योंकि अभी बना रहे ना हम सिक्योरिटी ग्रुप आईडी नहीं आएगा यहाँ पे, सिंपली अभी यहाँ पे क्या करेंगे ऑल टीसीपी लेंगे, ऑल टीसीपी लेने के बाद यहाँ पे माय आईपी, ओके गाइस और क्या करेंगे फिर डायरेक्टली सेव कर देंगे आप, क्रिएट कर देंगे, ओके आपका सिक्योरिटी ये देखो सिक्योर एजी वॉज क्रिएटेड, मतलब क्या क्या आपकी सिक्योरिटी ये
जो भी पीसी उसमें एक सिक्योरिटी ग्रुप बन गया। ओके, तो अभी मैंने आपको क्या बोला दोस्तों कि इसमें कैसा होता है, अभी आपको समझ में आ गया कि क्लस्टर क्या होता है। कल तो बताया था मैंने क्लस्टर क्या होता है। तो अभी देखो क्लस्टर मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ नोड्स होते हैं। ओके, और ये क्या होता है, क्लस्टर है तुम्हारा। ओके, आंख और कान दोनों खोल के सुनो। हाँ अभी ये बहुत मोस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलता हूँ, हमेशा पूछा जाता है। ओके गाइस, हेलो सब ठीक है ना? ओके ओके, हेलो। हाँ सर। यस 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 सर। तो अभी ये क्या है कि ये आपका क्या है, ये क्या है, ये इंस्टेंसेस, ये क्या है आपका, सबसे पहले तो क्लस्टर है। ओके गाइस, ये क्या है, ये आपका एक क्लस्टर है। अभी कितने नोड का क्लस्टर है ये? सिंगल नोड। कहाँ सिंगल नोड का है मेरे? एक नोड का है। ओके, और ये किस में है, ये क्या है, ये क्लस्टर है। और क्लस्टर के बाहर कौन होता है, कौन सा नेटवर्क होता है, ये क्लस्टर किसके अंदर होता है? प्राइवेट क्लाउड। एक वीपीसी के अंदर होता है ना, ज्यादा नहीं। वीपीसी वीपीसी प्राइवेट क्लाउड वीपीसी के होता है ना, वीपीसी के अंदर। हाँ, इसका भी क्या है, इसका भी क्या है, इसका एक अलग से सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ तक आया समझ में? अरे ये तो अलग है, लेकिन वो जो सिक्योरिटी ग्रुप है यार, वो सेम ही है, एक ही सिक्योरिटी ग्रुप है सब मशीन को। तो कैसे क्या आठ हो गए? मशीन के ऊपर दो ही हुए, क्लस्टर का और एक वीपीसी का। हाँ, मैं ओवरऑल क्लस्टर का बोल रहा हूँ, मैं मशीन की बात नहीं कर रहा, और सब मशीन पे एक ही सिक्योरिटी ग्रुप है। ओके, अच्छा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लस्टर लेवल पे एक सिक्योरिटी ग्रुप ग्रुप और बीपीसी लेवल पे एक। कितने सिक्योरिटी ग्रुप है मेरे पास? दो सिक्योरिटी। ओके, अभी सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, इस सिक्योरिटी ग्रुप एक फायरवॉल है। ओके, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ जरा। सिक्योरिटी ग्रुप क्या है कि एक फायरवॉल है। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप क्या है कि एक फायरवॉल, ऐसे एक फायरवॉल आ जाती है और उसके अंदर तुम्हारा क्लस्टर होता है। ओके गाइस, उसके अंदर तुम्हारा होता है क्लस्टर। ओके ओके, ये क्या है, ये वीपीसी है, ये क्या है, ये क्लस्टर। हेलो, यस यस सर, बोलिए सर। ये वीपीसी है, ये क्लस्टर है। सो क्या होता है कि ये क्या है, सिक्योरिटी मतलब क्या, फायरवॉल। ओके, फायरवॉल बोलते हैं नाम, सिक्योरिटी ग्रुप इन जनरल नाम क्या होता है, एक फायरवॉल होता है। ओके गाइस, तो क्या होता है इसमें, ये जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है और ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है। वीपीसी इंटरनल और क्लस्टर एक्सटर्नल? सॉरी, वीपीसी जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। अच्छा, और क्लस्टर का जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो इंटरनल होता है। ओके, तो समझ में आया फिर वीपीसी का आपको गाइस? ये आप लोगों को कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैंने कैसा है ये पर के ना, वो क्लाउड एरा और वीपीसी के डॉक्यूमेंट पर के ये सब नॉलेज इकट्ठा किया था, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये इंटरनल ग्रुप होता है अपना क्लस्टर वाला, और एक्सटर्नल जो होता है वो वीपीसी का होता है। लेकिन क्लाउड एरा मैनेजर जब करते हो ना, तो उसमें प्री रिक्विजिट आते हैं,
तो आपको ये जो इंटरनल वाला एक्सटर्नल रहने देते इंटरनल वाले को डिसेबल करना पड़ता है, अनेबल हो तो उसको डिसेबल करना पड़ता है। ओके तो वो तब के बाद तब देखेंगे, लेकिन अभी के लिए देखो कि ये क्या है, ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी ग्रुप है और ये इंटरनल सिक्योरिटी ग्रुप है। मतलब क्या कि ये एक्सटर्नल फायर वॉल है और ये इंटरनल फायर वॉल है आपके सिक्योरिटी ग्रुप की। ओके गाइस ओके हेलो यस यस सर यस सर। तो अभी आपके लिए ये है, अभी आपके लिए होमवर्क है। ओके अभी मैंने वीपीसी आपको डिप्लॉय करके दिखा दी। ओके तो आपको अभी उस वीपीसी पे क्या करने हैं, इंस्टेंसेस लॉन्च करने हैं। और ये आपका मैं जानबूझकर दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मुझे मतलब टाइम हो रहा, कैसा कुछ मत समझो, मैं 4-4 बजे तक रात को जागा रहता हूँ, वो ऐसा बिल्कुल मत समझो। लेकिन मुझे मुझको आपसे कर लेने है वो चीज, इसलिए आप क्या करना कि वो पर्टिकुलर एक प्राइवेट वीपीसी मुझे प्राइवेट सबनेट के ऊपर से एक मशीन लॉन्च करना। एक मिनट या ये रख कर देता हूँ। आप लोग क्या करना, अभी एक प्राइवेट सबनेट से एक मशीन लॉन्च करना और एक जो है पब्लिक सबनेट पर से लॉन्च करना। ओके गाइस समझ में आ रहा है ना सबको? हेलो yes, हाँ। तो ये प्राइवेट वाले को किस में लॉन्च करोगे तुम लोग? आरडीपी में। हाँ आरडीपी में, या तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल में। ओके आरडीपी में मतलब वर्कस्पेस में लॉन्च करोगे। हाँ yes. हाँ और yes. उसको किसका एक्सेस रहेगा फिर आरडीपी को? प्राइवेट आईपी। अरे मेरे भाई नेट का एक्सेस रहेगा उसको, नेट कनेक्टेड होगा वो। ओके हाँ और एक ये प्राइवेट वाला जैसे हमारा इंस्टेंस नॉर्मली लॉन्च करते हो वैसा। आप लोगों को ये क्या है होमवर्क है, अगर किसी को नहीं आया तो सबके पास मेरा नंबर है, मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है। ओके सो एनी डाउट? सर ये जो हाँ बोलो सर, वो बता रहा था इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता क्या? बोलते इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई, सिक्योरिटी ग्रुप है ना तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा? उल्टा वो टू लेयर सिक्योरिटी हो गए ना, एक तो क्लस्टर की सिक्योरिटी, एक तो नेटवर्किंग के ऊपर के लेवल की सिक्योरिटी, टू लेयर सिक्योरिटी हो गए वो तो ठीक ना। तो जयेश भाई हां हेलो हां बोलो ना बोलो। हाँ ये सिक्योरिटी जो है ग्रुप जो सिक्योर करेगा तो एक्सटर्नल वाला इसको क्लस्टर को सिक्योर करेगा राइट हाँ। right. और क्लस्टर हाँ। का जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो नोड्स को सिक्योर करेगा करेक्ट? यस यस। और मल्टीपल नोड्स के अंदर उनके अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स हर एक इंस्टेंस का अलग रहेगा। हाँ तो फिर उसको ही एक ही वो सिक्योरिटी ग्रुप आया ना, हर एक इंस्टेंस का सिक्योरिटी ग्रुप मतलब क्या, हमको क्लस्टर में ना सब सब इंस्टेंस का एक ही सिक्योरिटी ग्रुप रखना होता है, सेम ही सिक्योरिटी ग्रुप। जब हम इंस्टेंस लॉन्च करते ना तब हमको सिक्योरिटी ग्रुप देना पड़ता है, एग्जिस्टिंग देना है। हां जयेश भाई हां एक क्वेश्चन था। हां बोलो। कि जैसा ये वीपीसी का एक आईपी दिया था अपन ने 10.0.0.0/16 से, फिर बाद में पब्लिक का दिया था 24, और उसके बाद में प्राइवेट का जो दिया था तो वो क्या मेंशन किया था प्राइवेट का? बिकॉज़ आई वाज अनेबल टू गेट इनटू आई जॉइन इट 0.1.0। ओके सर 1 क्यों मेंशन किया था? हां तो 1 क्यों मेंशन किया देखो आप, उसको ऑब्लिक में क्या रखे थे? 10.0.24 ओके 0.0/16 ये किसका वीपीसी लिया, ये किसका ये लिया था साइट वीपीसी का, वीपीसी का 10.0.0/24 ये किसका लिया? पब्लिक का, पब्लिक सबनेट। ओके गाइस तो अभी
इतना तो आपको मालूम होगा कि 16 के नीचे हम जा नहीं सकते। यस यस। अगर बीपीसी 16 पे ले रहे तो 16 के नीचे पहले तो हम जा नहीं सकते। ओके उसके बाद सर बीपीसी 8 ले सकते क्या फिर? नहीं नहीं 16 टू 26 लेना होता है हमेशा। ये 8 16 24 ये यही लेना इसके मतलब 16 टू 24 के बीच में ही लेना। ओके और कैसा है अगर तुमने यहाँ पे ट्रेनिंग के वक्त इधर इधर 16 लिया है तो बहुत सही रहता। ओके गाइस मैंने फर्स्ट रेंज का हाईएस्ट वैल्यू लेना 8 और 16 के बीच को। यस 8 और 16 के बीच में नहीं 16 के ऊपर का। हाँ 8 और 16 में का 16 लेना है वही ना फर्स्ट रेंज। हाँ वही वही। हाँ सो अभी इधर 10.0.0.0/24 ये हमने पब्लिक सबमिट के लिए यूज किया। तो अभी अगर इधर स्लैश 24 लिया है मतलब क्या कितने हमारे ये है कितने हमारे कितना ऑक्टेट एक ऑक्टेट। ओके जो एक ऑक्टेट है उसमें कहाँ से लेके कहाँ तक है? जीरो से लेके 255। हाँ जीरो से लेके 255 तक उसका क्या है आईपी की रेंज है। हाँ जीरो से लेके 255 तक क्या मिलेगा कि एक ऑक्टेट की एक रेंज रहती है। ओके तो उसके बाद इसमें कैसा हो जाता है जब ये रेंज खत्म हो जाएंगे। ओके ये जब रेंज खत्म हो जाएंगी तो हमने क्या बोला उसको कि ये यहाँ पे इसने जीरो भी कर दिया है तो इसके आगे 0.1 से लेके तो इधर 255 तक किसका ये है कौन इधर इधर किसका ये है किसकी रेंज चल रही है इसकी ना 24 की। अरे yes. समझ रहे क्या आप लोग? यस यस यस। हाँ तो जीरो से लेके 255 तक रेंज किसकी चल रही है अभी ये 24 की है। अभी अगर 255 अगर हमको इसके ऊपर का एक मिल गया अभी समझ लो ये 255 है और एक आ गया कितना हुआ 156। लेकिन हमारा रेंज क्या है जीरो से लेके 255 तक है तो ये 256 अगर बढ़ गया ना तो क्या होता है 10.0.1.0 मतलब क्या कि इसका वन किधर चला जाएगा इधर चला जाएगा पहले वाले ऑक्टेट में। ओके यस। हाँ तो ये किधर चला जाएगा इधर चला जाएगा लेकिन ये हमने पब्लिक किसकी रेंज के लिए थी पब्लिक सबनेट की 10.0.0.0/24 लिया था लेकिन हमने फिर उसके बाद वो प्राइवेट की रेंज के लिए इधर हमने क्या कर दिया वन कर दिया मतलब इसका जो है इसका जीरो की रेंज किसकी हो गई थर्ड ऑक्टेट की। अरे किसकी हो गई पब्लिक की हो गई ना पब्लिक की पब्लिक की। हाँ और वन की रेंज किसकी हो गई फिर जीरो प्राइवेट की 0.0 1.0 ये रेंज किसकी हो गई तुम्हारे प्राइवेट की प्राइवेट। ओके तो किसी को तो वन की जगह टू भी डाल सकते हैं क्या? हेलो नहीं नहीं ये देखो इधर 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल सकते हैं लेकिन सीरीज के साथ ही जाना। ओके अच्छा नेट गेटवे में नेट गेटवे में 0 0 ही डालना पड़ता है क्या? हाँ हाँ वो कैसे है वो जो जीरो नेट गेटवे में 0.0.0 वो जो वैल्यू है ना वो नल वैल्यू बोलते हैं इसको। ओके नल वैल्यू रहती है मतलब एनीवेयर देखो एनीवेयर जब करोगे ना तब यही वैल्यू आती है आपको 0.0.0.0 करके देखना। ओके यही वैल्यू मिलती है हाँ वो नल वैल्यू रहती है मतलब एनीवेयर। और डाउट है किसी को कुछ वो मिस करती है उनका डाउट क्लियर हुआ क्या जिसने मेरे को क्वेश्चन पूछा था मैडम? यस 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 हाँ मैंने पूछा था। अरे ये नहीं इससे पहले कि वो समझाओ सर कौन थी क्लियर हुआ फिर सबको ये यस यस नहीं और डाउट है किसी को? सर ये क्लोज कैसे करते बता देंगे क्या? उसका कुछ चार्ज रहता है ना नेट गेट वाला। हाँ तो अभी सिंपली क्या करेंगे अभी अगर ऐसा हो पहले अगर इंस्टेंस तुमने कर दिया इसके ऊपर लॉन्च कर दिया तो पहले इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देने का। ओके गाइस उसके बाद यूआर वीपीसी में जाएंगे
माई भी पीसी में जाएंगे, डिफॉल्ट भी पीसी को छोड़ देंगे। अगर तुमने डिफॉल्ट को हाथ नहीं लगाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तुम्हारे इंस्टेंस चालू नहीं होंगे रेगुलर वाले कुछ भी। डिफॉल्ट ना तो सबनेट उड़ाने हैं, ना तो डिफॉल्ट वीपीसी उड़ानी है, ना तो सबनेट उड़ाने हैं और ना तो नेट गेटवे उड़ाना है, सॉरी डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे उड़ाना है। ओके गाइस, इतना याद रखना। तो एक्शन में जाएंगे, डिलीट वीपीसी में आए, क्या बोल रहा है, नेट गेटवे उड़ाओ, पर नेट उड़ाना पड़ेगा, नेट पे भी उड़ाना पड़ेगा। एक्चुअली वो इंटरनेट के ऊपर इसका है ना, इंटरनेट पे सुन देना, अरे ऊपर जाओ बहुत नीचे आ गया, डिलीट करना पड़ेगा। यू कैन गो फ्रॉम देयर ओनली, जहाँ पे एरर देता है ना तो वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे ना तो आईडी पे ही क्लिक करके डायरेक्ट आ जाता है वो। One more thing, like just want to hit it here. There is no necessity to terminate this instance. You can deselect the VPC connected and you can release that. Jayesh bhai, mera ek question tha. हेलो, इंटरनेट गेटवे भी डिलीट करना। हाँ बोलो भाई बोलो। ये कह रहा था मैं कि अगर विजार्ड से हम लोग जब वीपीसी करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली मतलब डीए, ये हमारा ये साइडर ब्लॉक है वो 20 रहता है AWS के शायद एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली। हाँ हाँ। तो वो मतलब ये 20 क्यों लेते हैं वो, मतलब उसका कोई आइडिया है क्या? अरे हम जैसा 16-24 लेते हैं वैसा वो 20 लेता है, 20 के हिसाब से भी जाके देखना। 20 के अकॉर्डिंग मतलब उसका क्या हुआ कि उसका जो अपडेट है तो 1-2-3-4 जो 4 तक है वो चेंज होगा। नहीं ना मेरे भाई, कितना ऑक्टेट है? थर्ड ऑक्टेट में ये जो अपना, अच्छा ठीक है आप बताओ। 10.0.0.0/21 तो अभी कैसा है 2024 से बड़ा है, IPv4 का कैसा है 8, 16, 24, 32, तो इसके कम वैल्यू कौन सी है 16 वाली, मतलब क्या कि ये दो ऑक्टेट क्या होंगे फिक्स रहेंगे। ओके okay? उसके बाद 20-16 4 बचे। ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 1, 2, 3, 4 ये 8 तक जो है आईपी की रेंज है वहां तक आईपी आपको ये मिलेगी, मतलब क्या कि आईपी क्या रहेगी यहाँ तक सेम रहेगी, कहा तक इस बीट के आईपी तक। ओके और उसके बाद जब ये चालू होगा तब ये क्या होगी, मतलब क्या कि 10.0.1, 10.0.1, 10.0.0.1, 10.0.0.1 उसके बाद जब ये लगेगा ना तब इधर क्या होगा 10.0.0.2.0/20। ओके यानी ऑब्लिक का जो काउंट है वो काउंट से लेके उसके छोटा वाला जो नंबर है उसके डिफरेंस तक सेम रहेगा और बाद में फिर वो आगे कंटिन्यू होगा। यस 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 ओके गाइस ओके थैंक यू। Guys, if anybody have recorded the session, please do post on the Telegram group. अगर manually VPC create करते हैं तो इसमें हम लोग AZ तो select नहीं करते हैं फिर? AZ कैसे select करते हैं इसमें फिर manually? अरे भाई देखा है क्या फिर तुमने AZ select किया ना हमने? मतलब वो जो अच्छा अच्छा सॉरी समझ गया जब सबनेट, हाँ हाँ
सबनेट किया था okay, देखा okay. ना आपने हाँ हाँ देखा था हाँ, वो कंफ्यूज हो गया वही वाला मैंने मैन्युअली नहीं किया ना इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ वो भी पता वो भी दैट वाला सिंपल है वो कुछ नहीं उसका ये जो ऊपर में डी दिखा रहा है वो डिफॉल्ट वाला है ना हाँ हाँ डी वाला डिफॉल्ट वाला आईपी रिलीज कर लो ना वो इलास्टिक आईपी लिए वो उसका पैसे लगेंगे कैसे बोल तो हाँ हाँ और इलास्टिक आईपी को रिलीज कर देना ओके मैंने सीधा नेट उड़ा दिया तो भी चलता है इलास्टिक को रिलीज ऊपर है ऊपर सर ने बोला रिलीज करने का हाँ हाँ रिलीज कर देने का पहले उसको उसी के 300 क्रेडिट है ना AWS के वो अप्लाई कर दियोगे सबने इसका कोई सीक्वेंस है क्या बाहर निकलने का कि पहले ये करना है पहले ये करना है करते? नहीं वैसा कुछ नहीं जो डिलीट होता है वो पहले डिलीट कर देने का यार टेंशन नहीं लेने का अभी ये क्या बोल रहा है क्या चाल है मेरा सम केस राव टेबल क्या नॉट डिलीटेड हुआ है डिलीट कहाँ करना मेरे भाई होगा डिलीट होगा सब डिलीट मेरा इंटरनेट के इसमें सबनेट्स और राउट टेबल्स गेटवेज ये सब डिलीट करना है ना सर इलास्टिक आईपी का क्या बोलते हैं रिलीज कर देना उसको कहाँ पर है वो है ना वो साइड ब्लॉक में ये देखो इलास्टिक आईपी देखा क्या सबने इधर देखो इलास्टिक आईपी इधर ब्लैक होल बताएगा शायद से ओके मेरे पास है ये ऑलरेडी मैंने नेट डिलीट कर चुका हूँ ओके रिलीज कर दिया देखो मैंने कर दिया ये रिलीज हो गया देखो रिलीज इलास्टिक आईपी रिलीज किया आपके सामने देखा सिलेक्ट करके एक्शन लिया के रिलीज कर देने का रिलीज इलास्टिक आईपी हो जाता है ओके अभी कुछ नहीं है चलो गाइस फिर आज का सेशन यही खत्म होता है थैंक यू Thank you, sir. Thank you, Jaz bhai.